उम्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medford Multispeciality Hospital. मैं हूं सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके, बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, यूपी उत्तर प्रदेश से, कन्नौज जिला से। इशरत जी, किस तरह से आप कन्नौज के अंदर आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका है, किस तरह से जनता के बीच में आप जाते हो और कौन कौन से मुद्दों पे काम कर रही है पार्टी और पार्टी लेवल पे आप? मैं इशरत खान, AIMIM जिला अध्यक्ष कन्नौज उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले फोकस कायनात जहांगीर भाई का, जो आज आपने हमें मुंबई में ऐसी जहाँ पे बॉलीवुड है और तमाम दुनिया देखती है इस मुंबई को, वहाँ पे आप मुझे लाइव कास्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया है कि क्या तैयारियाँ हैं। तैयारियाँ वही जो हमेशा से आज तक सरकारें 75 साल से नहीं कर रही। तैयारियाँ वो कि जो रहबरों ने झूठे रहबर बन के अवाम को लूटा है। हमारी तैयारियां वो है कि सबसे पहले जो भारत आज सोने की चिड़िया कहा जाने वाला आज किन हालातों से गुजर रहा है। हमारी तैयारियां है कि शिक्षा को लेके सबसे पहले इल्म होगा ना हमारे पास जी, तो हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे। हेल्थ होगी हमारे पास तो हम आगे तेज दौड़ेंगे, और जब हमारे पास रोजगार होगा तो हम दुनिया की ताकतों में शामिल होंगे। टीम फोकस ये बड़े हैं, साथ में जो रोजमर्रा की चीजें हैं, लाइट पानी सड़क, इन पे फोकस करना है जो आज की सरकारें नहीं कर रही। तो आने वाले समय में चुनाव तकरीबन नजदीक होगा, तो वहां पर जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? जनता के बीच में मुद्दे हमारे यही हैं कि आज जो सरकारें मंदिर मस्जिद गाय गोबर और न जाने कौन कौन से अल्फाजों को इस्तेमाल करके उनमें बरगला रहे हैं, मैं जनता को आगाह करना चाहता हूँ, जनता के साथ खड़ा होके कांधे से कांधा मिलाकर उनको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर लीडिंग की क्वालिटी है, आप लीडिंग कर सकते हो, अपने देश को नुमाइंदगी दे सकते हो। तो सबसे बड़ी बात वही सर मैंने बताई आपको कि रोजगार, जब रोजगार होगा तो हमारे पास सब ताकतें होंगी, इल्म होगा तो सब ताकतें होंगी। रोजगार के लिए पहला काम MIM कन्नौज के अंदर क्या करें सर? हमारा प्लान फर्स्ट मोटो यही है, मैं कुछ साल पहले उन झूठे रहबरों को आगाह करा के आपको बताना चाहता हूँ, बसपा की सरकार में हमारे यहाँ पर एक छोटी सी विधानसभा छिबरामऊ जिसका जगह है गुरसाईगंज, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर यानी कि बहुत बड़ी लाइट का वहाँ पे इंतजाम हुआ था, और अगर वो इंतजाम हो जाता तो आज 24 घंटे लाइट होती, उस लाइट से वहां पे कारखाने चलते। मैं माजरत के साथ फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मुझसे गलती कहें आप कि यहाँ पे मोहब्बतें बहुत मिली मुझे, मेरे अपने लोग जो कन्नौज से पेट की खातिर यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं, मुझे देख के आ भी निकली, यही अगर वो रहबर ने काम किया होता तो आज ये हमारे लोग यहाँ पर दर दर भटकते नहीं। आज इनकी माओ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, ये लोग वहां नहीं शिरकत कर पाते, क्यों? वजह है हमारे रहबर जो हमेशा झूठे दिलासे दिलाते रहे, ना उन्होंने रोजगार दिया, ना रोजगार की कोई तैयारी की, इनको सिर्फ वोट चाहिए था, हुकूमतें करनी थी, और वही किया उन्होंने। मैंने कहा कि आपके यहाँ लेट इसी बिना पर हुआ, इन लोगों से मोहब्बतें मिली, इनसे मिला तो डोर टू डोर एक जगह जाता तो 50-100 हो जाते थे सर, 200 हो जाते थे,
तो उस वजह से लेट हुआ आपसे। और यही है कि आज ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि हमारे रहबरों ने हमको लूटा है, सिर्फ कोई कामयाबी नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।